मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। बिहार में अब दो दो डिप्टी सीएम है। वहीं आज दोनों डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी जो है वो दिल्ली गए हुए हैं। बुधवार को आज दोनों देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनकी मुलाकात होगी। आपको बता दें कि आज जो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम हैं, आज वो दिल्ली गए हैं और दो दिन के लिए वह दिल्ली में रहेंगे। आज उनकी मुलाकात जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से होगी और कल यानी कि बृहस्पतिवार को दोनों डिप्टी सीएम, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम जो है वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि दिल्ली वह आए हैं तो बिहार के लिए वह कुछ ना कुछ यहां से लेकर ही जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत हुई है उस पर भी जमकर अपनी बात कही और साथ ही साथ कहा है कि यह सरकार जो है वह पांच साल यह सरकार अवश्य चलेगी, जरूर चलेगी, उसके बाद फिर से जब चुनाव होंगे तो समर्थन मांगा जाएगा। लेकिन इससे पूर्व साफ साफ कह दिया है, क्योंकि इस बीच जो है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया है कि मिड टर्म इलेक्शन जो होंगे बिहार में होने वाले 2021 में, यानी कि मध्यावधि चुनाव जो है वो 2021 में बिहार में होंगे। इस पर भी दोनों डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी ने तेजस्वी यादव को जमकर घेरा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पांच साल बिहार में एनडीए की सरकार जरूर चलेगी। वहीं आपको बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वह दिल्ली गए हुए हैं, जहां पर आज उनकी रामनाथ कोविंद से मुलाकात होगी, कल वह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वह बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ दिल्ली से जब वह बिहार लौटेंगे तो बिहार के लिए कुछ ना कुछ नया और सौगात जो है वह लेकर ही जाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत देकर इंडियन न्यूज़। धन्यवाद।